जय श्री कृष्ण दोस्तों, महर्षि दधीची के त्याग की कहानी पार्ट 3। दधीची द्वारा अस्थियों का दान। देवलोक पर वृत्रासुर राक्षस के अत्याचार के दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीचि की शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि दधीचि ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीचि ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कही हुई बातें बताईं तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीचि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष ये समस्या आई कि महर्षि दधीचि के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल अस्थियों का पिंजर रह गया था। गभस्थनी की जिद। महर्षि दधीचि ने तो अपनी देह देवताओं की भलाई के लिए त्याग दी, लेकिन जब उनकी पत्नी गभस्थनी वापस आश्रम में आई तो अपने पति की देह को देखकर विलाप करने लगी तथा सती होने की जिद करने लगी। तब देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया क्योंकि वह गर्भवती थी। देवताओं ने उन्हें अपने वंश के लिए सती ना होने की सलाह दी, लेकिन गभस्थनी नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर गभस्थनी राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंप कर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने गभस्थनी के गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद वह गर्भ पलकर शिशु हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिप्पलाद रखा गया। इसी कारण दधीचि के वंशज दधीचि कहलाते हैं। जय श्री कृष्ण।